सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या का क्यूब निकालना, यानी कि घनमूल निकालना, वो भी सिर्फ एक सेकेंड में, यानी कि इससे बड़ा कितना हो सवाल हो आपको आसानी से कर पाएंगे, चुटकियों में कर पाएंगे। और ये डर जो था मैथमेटिक्स का, आज आपका दूर होने वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो अगले 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, फिर अगले 7 जन्म तक ये आपके साथ बना रहेगा। तो क्या आप इसे सीखने के लिए तैयार है? बिना पेन और कॉपी के भी आप डायरेक्ट बता पाओगे ऐसे सवाल को? जी हाँ, बिना पेन और कॉपी के, ये ओपनली चैलेंज में करके बता रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट हो, कितना हो उसको क्यूब रूट निकालना हो वो आसानी से निकाल लेगा। यस सर, गुड मॉर्निंग है। हाँ चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग है। देख के ही डर लग रहा है क्या? हाँ, बहुत मजा आएगा, एक बार शेयर कर लीजिए आप अपने सभी ग्रुप में। देखिए ऐसे सवाल, अब इस संख्या का क्यूब रूट निकालना हो, इसका निकालना हो, किसी का भी निकालना हो, डोंट वरी, सब आ जाएगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको समय जरूर लगेगा लेकिन आपका ही हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो हम लोग सीधे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेंगे। यस सर जी, रेडी है? विनय कह रहा है रेडी है सर। कुमार सिंह, चलो राजकुमार सर, मेरा बिहार में इतना रैंक है, ठीक है। पूजा करे सर 92, मेरी बातों को सुनो, आपने 92 बताया, ठीक है, अच्छा बात। मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट बता दूं, एक मिनट हमें केवल दीजिए, और एक मिनट क्या, जो पता है मैं आपको बस वही बता रहा हूं। आपको पता है कि एक का क्यूब करेंगे कितना होगा, एक ही होगा, जबकि दो का क्यूब करेंगे कितना होता है आपको सर, 8। ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि इसी सब का यूज है, बेसिक्स का ही यूज करके मैं आपको ट्रिक पे लेकर आऊंगा। 3 का क्यूब करेंगे आप कहोगे सर 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे आप कहोगे सर 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे आप कहोगे सर 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे आप कहोगे सर 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 9 का क्यूब करेंगे 729 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 1000 हो जाएगा। बस आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हाँ, अब मेरी बातों को सुनो, ये चीजें आपको मालूम है, इसी का यूज करना है। मैं कहूंगा कि अगर ये संख्याएं जो भी है, जिसका भी आपको क्यूब निकालना है, एक सवाल मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। पहला ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, ये लीजिए पहला ट्रिक आपका, और एक ही ट्रिक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ट्रिक है, एक ही ट्रिक से सब हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी संख्या मिले, आपको सबसे पहले क्यूब होता है, क्यूब का मतलब 3-3 का पावर होता है, यह मालूम है आपको। जब 3 का पावर होता है आप लास्ट से 3 संख्या को पकड़ेंगे, लास्ट से जब 3 संख्या को पकड़ेंगे तो आपको दिखा कि इस लास्ट को 3 संख्या को पकड़ लिए, और इसके लास्ट में क्या है 8 है, कितना है 8 है, 8 है, अच्छा ठीक है। अब हम इस 8 को देखेंगे कि 8 किसका घनमूल है, तो 8 किसका घनमूल है 2 का, 8 किसका है 2 का, इस लास्ट वाले संख्या को पकड़ेंगे और इसमें से तुरंत चेक कर लेंगे कि अच्छा 8 है लास्ट में, जबकि 8 का घनमूल बाहर आएगा तो 2 होता है, यानी कि इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात कि सर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इधर का काम खत्म। अब इधर का देखेंगे, इधर का जो भी बचा हुआ संख्या होगा आप कहोगे सर 778 है, 778 किसका, किस संख्या के नजदीक है, बस ये देखना है। तो आप देखोगे 778 है तो 778 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, 729 और 1000 के बीच में ही होगा 778, बस यही आपका पॉइंट है कि जिसके भी बीच में होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होगा कभी भी, किसी न किसी की संख्या या दो संख्याओं के घनों के बीच में होगा, तो जो बीच में होगा ना, जो छोटी वाली संख्या होगा, कौन सी लिख लेना, छोटी वाली, छोटी वाली जो संख्या होगा वही उसका होगा मान, यानी कि 9 और 10 के क्यूब के बीच में है तो छोटा कौन है 9, यानी कि इसका आंसर यहां पर 9 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ गए, लास्ट के 3-3 का क्यूब बनाएंगे ना, तो 3 अंक लिए, लास्ट में 8 है, इसमें से मिला लेंगे लास्ट में 8 है, तो किसका क्यूब हुआ होगा, ये 2 का क्यूब रहा होगा,
दो का क्यूब रहा होगा तो दो लिख दिए। अब इसे हमने देखा कि यह किसके नजदीक है, तो आपको लगा कि सर 9 के क्यूब यानी 729 और एक ये 10 के क्यूब 1000 के बीच में है, तो जब बीच में रहता तो छोटे वाला ले लेते यानी 9 का ले लेते। एक और करेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको दोबारा पूरे जिंदगी में नहीं भूलेगा, लेकिन एक बार सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। बस देखो यहां पे ध्यान देना, 551 है, सॉरी 651 है, 651 है। तो आपको सर तीन संख्या अगर पकड़ेंगे, लास्ट में 1 है, और 1 किसके लास्ट में आता है, जिसका क्यूब 1 है, यानी कि 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अब देख रहे हैं 132 है सर, इसका क्या करें, 132 किसके किसके बीच में है, आपको सर 132 जो है 125 और 216 के बीच में है, 125 और 216 के बीच में, यानी कि 5 का क्यूब। आसानी से आप कह सकते हैं सर ये 51 का है, समझ में आ रहा है। अभी विश्वकर्मा वीरेंद्र बहुत अच्छा, अब आपको मजा आने लगे, दो चीजें आप कर ली ना, तीसरे आप खुद बताओगे। अब इसी ट्रिक का यूज करके आप हमें बताओ कि यह जो है इसका घनमूल निकालना होगा तो क्या आएगा, इसका बताओ हमें, ये किस संख्या का घनमूल है, कौन बताएगा, तीसरा वाला सवाल। चलो 65 का एक स्टूडेंट ने बोला सर, 65 का, ओके हाँ, आरडीएक्स करा सर, इसका लास्ट तीन अंक ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हम घनमूल निकालते हैं और घनमूल में तीन तीन का पेयर बनता है, इसलिए लास्ट का तीन संख्या ही लेंगे, उसके बाद आगे कुछ भी बचा रहे उससे होने मतलब है, ठीक है। आपने इसका आंसर बता दिया, और 85 रंजीत ने बताया, बहुत अच्छा रंजीत, गिनी कुमारी ने बताया, मिथुन कुमार, गोलू कुमार ने, रंजीत, देखो ये पूरी ऐसी चीजें है ना जो पूरी जिंदगी आपके लिए होगा, और इतनी चीजें मैं आपके लिए पूरी आपके ऊपर इतना शॉर्ट ट्रिक फुल मेथड्स मैथमेटिक्स का इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका बेनिफिट्स अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मैं ओपनली चीजें जो कहता हूं और वो करवा दूंगा, आपको सिखा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको सर लास्ट का तीन अंक लेंगे, लास्ट में 25 है और 25 मतलब 5 है, 5 किसका होता है, आपको सर 5 ये मिला, 5 मिला यानी कि 5 का क्यूब यानी कि यहाँ पे 5 आएगा लास्ट में। और 614 देखो, 614 किस संख्या के बीच में है, आपको सर 614 जो है इन दोनों के बीच में है, 512 और 729 के, हमने कहा था छोटा वाला लेंगे यानी 8 ले लेंगे, यानी कि 8 ले लेंगे। बहुत अच्छा, जिन्होंने 85 कहा था चुटकियों में सॉल्व किया आपने, कोई अलग तरीका नहीं यूज करना पड़ा। अभी आपको सभी का मैं बताऊंगा, इसका बता दीजिए, आपको सर 533 है लास्ट में, और 533 है लास्ट में 3 किस में आएगा, लास्ट में 3 किस में आएगा, आपको सर लास्ट में 3 जो है 7 वाले में आएगा, लास्ट में 3 किस में आएगा, 7 वाले में, तो यह क्या हो जाएगा, आपको सर 7 हो जाएगा, और यह कितना है 456, 456 किसके बीच में है, 456 आपको होगा सर 343 और 512 के बीच में आता है 456, यानी कि ये 7 हो जाएगा, कुल मिला जुला के इसका क्या हो जाएगा 77। है ना आसान, समझ में आया या नहीं, हाँ बहुत। आप अपने 100 दोस्तों के साथ भी पूछ के उन्हें भी बता सकते हो इस तरीके से, बहुत अच्छा, हर एक स्टूडेंट अब बताने लगा, अब हमें ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए ये हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें वाला सवाल का इसका हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप ये तो आपको मालूम था, मैं आपको केवल बताने के लिए, इसको आप माइंड में ही कर सकते, अच्छा लास्ट में 3 है, 3 आपको पता है कि किसमें आता है, 3 आपको ये याद है कि 343, अच्छा 7 वाले में आता है, तो कहीं ना कहीं अभी आप पहले खुद बताइए फिर हम। बहुत अच्छा 87 बोला है खुशी गुप्ता ने, बहुत अच्छा खुशी गुप्ता, वेल डन रंजीत करा सर, 87 होगा, अच्छा ठीक है 87 होगा, हाँ सभी लोग करे सर 87 ही होगा, आपके सामने संख्याएं दे रखी है। ठीक है सभी का आ गया 87, एक भी कोई भी सिंगल स्टूडेंट जिन्हें भी दिक्कत हो फिर से तुरंत सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करो और आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मैं चैट में देख रहा हूं सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं, अच्छा मेरी बात को सुनो एक बार फिर से देखो, जो नए नहीं समझ पाए या बीच में जुड़े, लास्ट के तीन अंक को लेंगे, 3 है, 3 किस में आता है, आपने कहा सर 3 जो है 7 के क्यूब में लास्ट में आता है,
यानी कि यहां पे क्या लिख देंगे, सात लिख देंगे, सात लिख देंगे। अच्छा अब बचा यह 571, 571, तो 571 जो है किसके बीच में आएगा, 571 किसके बीच में आएगा? आप कहोगे सर 571 ऐसा है इनके और इनके बीच में आएगा, इनके और इनके बीच में आएगा, तो 87 हो जाएगा, ठीक है 87 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, इन चीजों को अब आप यूज करेंगे। देखो घनमूल निकालना है, मतलब जिस संख्या का घनमूल रहेगा वही निकलेगा। अब मैं आपको थोड़ा नए सवाल लेकर आता हूं, इसको कॉपी कर लो, ये आपको यूज आएगा, इसको कॉपी कर लो। कुछ आपको नए संख्या में लिख रहा हूं उसका आप सभी को बताना है, ठीक है। इसका आप हमें बताओ 608 है, यह किसका होगा घनमूल, कौन बताएगा? और जो चीजें आपको आ रही है उसका तुरंत अपने लाइफ में यूज कीजिए, लीजिए यहां पे मैं लिख दिया हूं, पहले आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, इसके बाद एक संख्या का और घनमूल हम लोग निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, जिस संख्या का घनमूल होगा वही तो निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिना घनमूल है ही नहीं आप घनमूल निकाल दोगे, ठीक है। ये कौन बताएगा? एक लड़के ने बोला है विनय यादव ने सर 52 होगा, ओम सिंह ने, निखिल, मुकेश, संजीत, विशाल गुप्ता, मनीष, टॉपर टॉप, एके, रंजीत, गुलाब बाबू, गूगल बाबा। अच्छा गूगल बाबा ने बोला है सर 52 हो जाएगा। अच्छा 52 आपने बताया, तो देखते हैं कि आपने जो बताया वो सही है या नहीं। 608 लास्ट के 3 डिजिट को हमने लिया, लास्ट में 8 आया, 8 किसके आता है? आप कहोगे सर 2 के क्यूब में, 2 के क्यूब में 8 आता है, यानी कि यहाँ पे किसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी बताया है। अब ये बचा 140, 140 किसके किसके बीच में आता है? आप कहोगे 140 सर इन दोनों के बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में ही आया होगा, और हमने कहा था छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी छोटी वाली संख्या 5 ले लेंगे, यानी कि यह 52 का जिन्होंने भी बोला है उनका गजब का आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको ये लास्ट सवाल है, इस पे कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए आंसर में, तुरंत इसका आंसर हमें बताइए कि क्या हो जाएगा। 50653 ये संख्याएं दे रखी हैं, ये किसका है? चलो मिथुन बहुत अच्छा बताया, विशाल लास्ट वाला बता दो। हाँ वेरी गुड, सभी स्टूडेंट को बताना है, सर 37 का होगा, अभी विश्वकर्मा ने बोला है, सुमित ने भी, पॉलिटेक्निक लग, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक स्टूडेंट अब खुद से बताने लगा। हमने कहा था कि आप खुद से बताओगे अगर इस वीडियो में 10 मिनट बने रह गए तो, और वो चीजें अब आपके पास आ चुकी है। आपने बोला सर इसका जो है लास्ट में 3 है, 3 किसका होता है, 7 के क्यूब में होता था ना, देखो यार अब तो याद हो गया होगा, ये याद आपको है ही, बस मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं, तो आपको सीधे कर सकते हैं, ये लास्ट में सर 7 होगा और 50 किसके बीच में होगा, आपको सर 50 जो है 27 और 64 के बीच में होगा, छोटा कौन है, 3 है, तो ये लीजिए, है ना आसान। अब बताओ कर पाओगे या नहीं, एक बार सभी लोग हैंड्स अप करके बताओ कि हाँ सर ऐसे घनमूल निकालना आएगा, तो एक सेकेंड में कर पाएंगे बिना कंफ्यूजन के, कॉन्फिडेंस आया या नहीं। ये क्लास आपका है डियर, आपके लिए चीजें है, बहुत सारी चीजें इतनी, देखो ये क्यों मैं दे रहा हूं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, जरूरी नहीं है कि वो किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो उसके पास ये कॉन्सेप्ट पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, मैथ्स का ट्रिक आपको देना है। यस सर जी, यस गुरु जी, अच्छा हैंड्स अप सभी लोग, अभी विश्वकर्मा, मुस्कान,
संध्या वर्मा, अमन, नैर आलम। हाँ सर कर लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, और चीजें आपको सीखनी होंगी। देखो आपको चीजें, देखो सीखने से मतलब है आपको, चलो पहले के मैथमेटिशियन हुआ करते थे, आपको कोई चीजें बताए, कोई फार्मूला बताए कि ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है तो क्या होता है, यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही आपने सीखा होगा ना, यही आपने सीखा होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बुक में मिलेंगे आपके पास। हो सकता है इसकी बुक आपके पास पहले से ही हो, या फिर आपको मान लो पहली बार इंटरमीडिएट में या 10वीं में या पांच क्लास 5वीं में फार्मूला बताया गया हो सकता है 8वीं में भी बताया गया हो सकता है इंटर में भी इसका यूज हो। तो ये जो नियम है ये ऑलरेडी सारे बुक में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है या ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता। इसलिए चीजों को आप जब सीख रहे हो, जब भी आपको समझ में आ जाए वो आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको समझ में आ जाए आपका काम आसान हो जाने चाहिए। एक सवाल और मैं दे रहा हूं, एक सवाल और दे दे रहा हूं, जरा इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा कठिन और करते हैं। और ए प्लस बी प्लस, हाँ गूगल, न्यूटन एक लड़का है न्यूटन, थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं इसे, और इसे बताने की कोशिश कीजिएगा। चलो ये संख्याएं हैं, इसका घनमूल बता दीजिए, इसका बताइए सभी लोग, सबका चैट में देख रहा हूं कि क्या हो जाएगा। देखो सीखने के लिए आप अगर तैयार हैं तो आपका काम हमेशा आसान रहेगा। एक सवाल ये भी कर दे रहे हैं हम लोग, और एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए अब ये लास्ट है, इसके बाद अब आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा और पूरी जिंदगी अब आपको याद रहेगा 7 जन्म तक। इसका आंसर आपने कर लिया होगा, कितना आया है ये, कौन बता रहा है? सर 99 होगा, एक लड़के खुशी ने कहा सर 99, 59। अब हमें नहीं पता आपका क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से आपने बोला सर इसका जो है लास्ट में 3 डिजिट लिए 379, लास्ट में 9 है, यानी कि कहीं ना कहीं 9 किसमें आता है, 9 खोजो किसमें आता है। आपको सर 9 जो है 9 वाले में ही आता है, यानी कि 9, 729 जो है इसी में आता है, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इधर 205 किसके और किसके बीच में आता है, आपको सर 205, ऐसा है 205 जो है इसके और इसके बीच में, 125 और 216 के बीच में 205 आता है। तो इससे छोटी संख्या क्या है, 5 का क्यूब है, तो यह 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ना चुटकियों में आसान, राइट? पूरी की पूरी आपको शॉर्ट ट्रिक वाली बुक ही कवर करा दूंगा, ताकि आपका पूरा मैथमेटिक्स ही तैयार हो जाए ट्रिक से। ठीक है, अब इसका करते हैं 729 है लास्ट में। अभी आपने कहा कि सर जो लास्ट में 9 होता है ये 9 का होता है, और 970 किसके नजदीक है, 970 लगभग 1000 के नजदीक है, 1000 के नजदीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा और ये 9 हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब इसको देखो, ऐसी चीजें हैं कि आप इसे बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो 496 है, 496 है, लास्ट में 6 किस में आता है, आपको याद हो चुका है कि ये 6 के क्यूब में होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और 287 किसके नजदीक है, 287, आपको सर 287 इसके और इसके बीच में आएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और ये चीजें आपके माइंड में पहले से ही हैं, यह आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बस मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, ताकि आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आप इस क्लास में जुड़े तो आपको चीजें सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिले। 59, 59 बहुत अच्छा, 66 होगा सर। हाँ अब देखो हर एक स्टूडेंट का कन्फर्म हो गया,
आज के बाद अगर आपको घनमूल निकालने के लिए देगा, ये आपको याद है, इसकी भी जरूरत नहीं होगी। बिना पेन और कॉपी के आप डायरेक्ट माइंड में ही बता सकते हैं कि इसका क्या होगा घनमूल, है ना। मैं आपको कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूं कि आप कीजिए, आपको पसंद आएगा आप खुद करेंगे, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने इस ट्रिक को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए कीजिए, ताकि उनको भी कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिले, है ना कहीं वो आपको याद करेंगे, वाव सर किसी ने हमें शेयर किया था। और मैं एक आपको होमवर्क भी दूंगा, और इससे ज्यादा आपको कुछ परेशानी नहीं लेनी है। समझ में आ रहा है? एक होमवर्क देते हैं उसके बाद। कौन बताएगा इसका आंसर? मान लो ये संख्याएं हैं, लो इसका आपको घनमूल निकाल के हमें बताना है। यह आपका होमवर्क है, राइट, होमवर्क है। जिन्हें आएगा वो तुरंत बताएंगे, आज के बाद ये घनमूल वनमूल का खत्म हो जाना चाहिए मामला। और अगर आप पूरी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी तरह आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो डियर आपके लिए मैं बता दूं, रेशवा एकेडमी पे फुल कोर्स चल रहा है, पूरे एक साल वैलिडिटी के साथ, तीनों सब्जेक्ट शुरू से एकदम स्टार्ट न्यू बैच से किया जा रहा है, और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं केवल 299 में। 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ आप इस ऐप में जाकर अपने आप से चालू कर सकते हैं पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, नोट्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ, क्रैश कोर्स, संडे प्राइज टेस्ट। कल सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे, संडे प्राइज टेस्ट सुबह 7 बजे होगा। और जिन्हें जुड़ने में दिक्कत होती ऐप में, वो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621948025 पे, कि सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है बता दीजिए, या आपको मालूम है तो डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, 9628047408 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो बस लाइक और शेयर ना करो भली, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बताना कि हाँ सर जी अब समझ में आ गया, अब मैं कर ले जाऊंगा। कल आपका टेस्ट है, सभी लोग तैयार रहेंगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से आपको टेस्ट देना है। प्राइज जिसको भी मिलेगा, जो टॉप करेगा, आप भी देख पाओगे अपना ऑल इंडिया रैंक, जो भी टॉपर होता है उसको प्राइज प्लस यूट्यूब पे आने का मौका जरूर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है। जिन्हें ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल द बेस्ट है।